एक बार एक मिनट रुको, हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? दिक्कत सब लोग बहुत 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 ज्यादा ही अच्छे होंगे और मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। माँ बेटे को बहुत गर्मी चढ़ी है। बहुत गर्मी नहीं चढ़ी है यार, इसके बाल कटवा दिए आज हमने, तो थोड़ा सा उत्पादन हो गया है। तो बस अभी हम जा रहे हैं मार्केट, बहुत दिन से सोच रहे थे मतलब मार्केट जाना है। अच्छा एक राज की बात बताओ, बोले ये मेरे नाम का स्वेटर है, तुम्हारे नाम का स्वेटर है, तुम्हारे पापा के नाम का स्वेटर है, मेरे पापा के नाम का स्वेटर है, किसके नाम का स्वेटर है? ये सबके नाम का है, हम लोग को पता नहीं क्यों RRR पूरा भरा हुआ है। वैसे मैंने तुम्हारे नाम से स्वेटर लिया। हेरम छोड़ो ना, हेरम का भी नाम आर से रखने वाले थे लेकिन शत्रु राशि थी। ये देखो इसके ऊपर पहना है मैंने। अच्छा कैसा लग रहा है ये बताओ बस? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? इसमें ऐसा लगता है कि इसको ऐसे बांध के और ये यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, पता है? तब बहुत सुंदर। वहाँ कोने कोने चिरपुड़िया लगा दो बस। हाँ ये ऐसे होना चाहिए, जब जरूरत खोल लो, जब जरूरत तो बंद कर लो, तो अच्छा ज्यादा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है। वही तो करो, चिरपुड़िया लगा लो। तो बस अभी क्योंकि इसको बहुत देर से इसका गेम फोन चाहिए और दूध चाहिए, क्योंकि 7 बजे उठा है ना, टाइम हो गया है। आराम से भी सोएंगे, जब तक मैं वापस आऊंगी तब तक सो जाएंगे। वैसे 8 बजे उठता, 7 बजे उठ गया था। कल थोड़ा जल्दी पहले सुनाए थे 1 घंटा, लेकिन देखो उसका असर क्या होता, जल्दी उठ गया था। नहीं नहीं नहीं, इसको सुबह टॉयलेट आ गई थी और फिर एकदम से फिर कहता है पापा उठी टाइम हो गया है क्या सुबह? मैं देख क्या हूँ बाहर, सुबह हो गई क्या? मैं बाहर देख क्या हूँ, उठी टाइम हो गया। तो बस इसी वजह से थोड़ा सा इनको ना हो जाता है ऐसे, सच में बहुत। हेरम सबको हेलो बोलो। तो अभी हम चलते हैं मार्केट की तरफ। स्वेटर मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम है, आगे से मतलब ऊपर बॉडी बहुत ज्यादा हैवी फील दे रही है क्योंकि ये गोल नेक का है। अगर यहीं पे ये वी नेक का होता ना तो फिर मैं पतली दिखाई देती, बस ये अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। फिश एक्वेरियम इतना सुंदर लग रहा है ना हमारा, लाइट उसमें हमने लगा दी है, फिश बहुत प्यासे। एक मेरे को ना व्हाइट फिश लेके आनी है, व्हाइट ना मुझे बड़ी अच्छी सी लगती है। अब हेरम हेरम के पापा अभी सो रहे हैं और मैं सोचो सुबह मैं स्कूल गई थी, बाकी सारे काम किए, अब जा रही हूँ मार्केट क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था और शाम में हमें जाना है एक शादी में, तो ये इतने सारे काम हैं जिनको हम पूरा करना है, ये काम करके और फिर देखते हैं मार्केट से क्या शॉपिंग करते हैं, क्या मिलता है। कुछ अच्छा मिलेगा तो आपके साथ ज़रूर मैम शेयर करेंगे। और बस लाइट वाइट यहाँ की ऑफ करते हैं, चलते हैं। सर बहुत दर्द हो रहा था सुबह, मैं एक सेरिडॉन खा चुकी हूँ और अभी भी मेरे सर में काफ़ी दर्द है, बट तो फिर भी यार काम तो करना है। सर दर्द से हम बैठ नहीं सकते हैं, कुछ भी हो जाए, और कभी कभी ना ऐसा दर्द होता है ऐसे घूमने लगता है, फिर मैं उसको कंट्रोल करती रहता, कंट्रोल कंट्रोल, और उसके बाद थोड़ा सा ठीक होता है। पता नहीं, वो तो हम भाभी से पूछ रहे थे क्या चीज कह रहे कितने होगा, 250 मीटर है तो 200 में तो लगा रहे, कुछ अभी कम करेंगे। वो वहाँ पे प्लेन है उसमें से इसको मैच करके ये दुपट्टे, बट एक बात है बहुत ही क्लासी सा बढ़िया सा सूट बन जाएगा। अरे वो अभी हम देख लेंगे, अभी भाभी बताएंगी, देखते हैं। अच्छा है, कलर इसमें से डिसाइड करो तुम भैया, कुछ कम करें। खाएंगे ना, बहुत हमें ना यहाँ पे वेलवेट की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है ना अच्छी लग रही है, वही हम चेक कर रहे हैं। और ये वाला है, वो वाला लेने के सोच रहे हैं, और उसके साथ में प्लेन सलवार पूरा जाल बना, काफ़ी अच्छा है। अब देखते हैं यार कौन वाला पसंद आ रहा है। ये मोटा भी कपड़ा है ये, और यहाँ पे जो हमें ये वेलवेट मिला है ये 120 रुपये मीटर दे रहे हैं। हाँ कपड़ा इसका काफ़ी अच्छा है, भी बढ़िया लग रहा है। और तो मैं अभी हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा वाला कलर लेंगे, आ जाओ। तो यहाँ पे ना कलर ऑप्शन बहुत सारे हैं, आपको जो लेना है आप ले सकते हो। अर्चिता बताओ तुम्हें कौन सा कलर पसंद आ रहा है? रेड वाला नहीं, नेवी ब्लू वाला ले लेते हैं। ये देखो हम लोगों ने ले लिया, मैं घर पहुंच के दिखाऊंगी। एक ये कलर लिया है, एक ये कलर है, और एक वो ग्रीन वाला कलर है, और कौन सा लिया है? अच्छा इसमें के दो लिए हैं, उसके दो लिए हैं, तो ये इतने हो गए, चार हमने ले लिए।
भैया पैसे इस टाइम अंदर। अच्छा और भी वैरायटी है, ये आप ही की शॉप है क्या भैया? अंदर अंदर वैरायटी और एक बार देखते हैं ना। पता है हाथ में बैग में रहता है ना, तो ये लोग थोड़ा एंटरटेन करते हैं, सोचते हैं हाँ खरीदा है, कुछ तो खरीदा है इन लोगों ने। हाँ हाँ मुझे भी, मुझे ये बताओ ये अच्छा लग रहा है क्या लगेगा यार इसमें? भैया 2 मीटर में सूट हो जाएगा हमारा? 2 मीटर में कुर्ता बनेगा इतना, घुटने तक का 2.5 मीटर लेना पड़ेगा ना। कितने का है ये? 2.5 एक ब्लाउज का कितने का होगा? देखो ना सच में इसके ब्लाउजेस भी कितने प्यारे लगेंगे ना साड़ी में। हाँ तो बताया ना आपने 2.5 मीटर लेंगे तो 3-3, 6, 750 रुपए में, 7.5 वो भी अच्छे हैं, ये वाले भी अच्छे, ये भी अच्छे हैं। अच्छा एक सूट का पड़ेगा 750। गोल्डन कैसे मीटर दे रहे? गोल्डन यार वैसे एक बात बताएं, वाइन बहुत खिल रहा है ना, तो आप वाइन ले लो फिर। वाइन वाला बहुत खिल के आ रहा है, मुझे भी वाइन अच्छा लगा था। तो कपड़ा मेरे पर रखा है यार इस, ये चढ़ाते चढ़ाते तब ले जाइए। हेलो भैया खजेड़ू, खजेड़ू बढ़ाते रहो। बेटा पर्स निकल जाएगा सबका, यहाँ पे बीच में पर्स चोरी होगा बेटा फटाक से। अरे एक एक सीट पड़ेगी तो गंजा हो जाएगा। ये इसका है, यहाँ से हमने लिया ये वाला कपड़ा इसमें का, और ये इसके जो वैरायटीज हैं बहुत अच्छी हैं, सारे वेलवेट के कपड़े हैं यहाँ पे लगा हुआ है। और आज हमने शॉपिंग कर भी ला, मैं पकड़ लू ना, ये लो ये देखो, हम लोग घर कैसे चलेंगे ये सोच रहे हैं। यहाँ पे भी देखो, और सच में वेलवेट का इस टाइम इतनी वैरायटी आई है ना बहुत, कि मन है ना मन करे जितना। वो देखो चमकी चमकी वो भी है ऊपर, दिख रहा है सबसे ऊपर वो बहुत सारे कलर में है। हाँ वही तो बता रही हूँ, ऊपर वाला अच्छा लग रहा है ना, ग्रीन वाला। पूछो पूछो भैया, भैया वो वाला, अरे जाओ जाओ भैया सबसे ऊपर रखा है जो, नहीं नहीं बांस वाला। हाँ 350 रुपए मीटर आज शादियों में जहाँ सस्ता हो। आज कह रहे ना आजकल शादियों में ना सब यही पहनेंगे इस बार। ए यहाँ तो वेलवेट का बिल्कुल बाजार है, आ जाओ। गरीब हम राजा नहीं है, गुप्ता जी का आवाजें सुनने में आ रही हैं आपने? इस दुनिया में कोई हम तो नहीं अकेले, भैया असली है या नकली? तो चोरी का।
तो बस शॉपिंग हो गई है हमारी। बस मैंने उसके लिए पैजामे का कपड़ा ब्लैक खरीदा था, नहीं खरीदा है, देखते हैं अगर घर के पास मिल जाएगा फिर वहाँ से ले लूँगी। बट हाँ, ब्लैक को एक कपड़ा और ले लेते तो बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती। और अभी हम चल रहे हैं घर की तरफ, सामान सारा एडजस्ट किया है, घर चल के मैं आपको दिखाऊँगी। और उसके लिए ना हम लोगों ने लेस भी ले ली है यार, मुझे शाम में शादी में भी जाना है, अब याद आया हम भूल गए थे। और अभी हम जा रहे हैं पानीपुरी खाने, अच्छी वाली। लेकिन हाँ एक बात तो है, मार्केट यहाँ आओगे ना तो कुछ रूल्स में अभी लास्ट में बताऊंगी ना सब। जाते जाते एक लास्ट शॉट मार्केट का, और बहुत ज्यादा भीड़ थी। पता है विंटर जब सीजन शुरू होता है ना तब सच में बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, क्योंकि विंटर का सामान उस हिसाब से मिल जाता है। बट आपको पता है एक जगह ना 900 रुपए की जैकेट बता रहा था, मैं कहा यार इससे सही तो ऑनलाइन है 600-600 रुपए में मिल जाती है। लेकिन हाँ अच्छा है, ये देखो खाने पीने का भी सामान भैया अंदर से निकाल लीजिएगा इधर। और यहाँ भी, यहाँ कपड़े ज्यादा लगाता है पता है, ये देखो ये इधर भी लगता है। दिल कहता है शोर नहीं है, खामोशी के देवी शिष हॉस्पिटल। दिल की जो बातें हैं, बातें जो की हैं वही में रखना ही बापरे। आ गए हम, बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लग गई थी क्योंकि आपको पता है ऐसे जाते नहीं है, और मेरे सर में दिन भर से बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और अभी इतनी भयंकर दर्द हो रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे वॉमिट आ जाएगी, ऐसी वाली हालत हो रखी है। शॉपिंग क्या क्या करी है वो मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है छोटू बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि हम आपको दिखा सके कि शॉपिंग क्या करी है मैंने। लेकिन बहुत ज़्यादा थकान लग गई, अब जा रही वाला उतार के। और आज सुबह से यहाँ बहुत ठंड हो गई है, मतलब पहले जो एक नॉर्मल स्वेटर से काम चल रहा था अभी नहीं चल रहा, अभी आपको चाहिए गर्म वाले स्वेटर, और मेरे गर्म वाले स्वेटर मैंने अभी निकाले नहीं है। अभी मैं जा रही हूँ अपनी गर्म वाले स्वेटर निकालने के लिए, बहुत ज़्यादा ठंड है। और अभी मैं मतलब शादी में जाना था सोचो, लेकिन मेरा सर इतना बुरा दर्द हो रहा है कि आँख से लेके ये पीछे तक पूरा पोर्शन भयंकर, जिसको बोलते हैं दर्द होना, भयंकर दर्द हो रहा है अभी। जबकि मैं सुबह एक सेरेडॉन खा के गई थी, इसलिए मैं दोबारा सेरेडॉन खा के नहीं जा मतलब नहीं बैठना चाहती हूँ। सेरेडॉन खा के चाय पीऊँगी और बस दाल के पराठे बने थे वो पराठे खाऊँगी। और अभी तो यार, लेकिन हाँ सामान बहुत अच्छा अच्छा मिला, सूट्स बहुत अच्छे अच्छे मिले जैसे कि आपने देखा था, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, अभी तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कि मेरी पहली बार आपने मुझे अभी सर्दी में टोपी लगाए देखा है, क्योंकि आज पहली बार मुझे इतनी ठंड लगी। मोजे पहनने जा रही हूँ, जम के मोजे पहनूंगी। वो छोटा पैंट था ना तो फिर मोजा इस पर अच्छा नहीं लगता, बहुत दर्द हो रहा है छोटू। दवा खा ले छोटू, ये बड़ी टमाटर खा, मेरे को
चल सही चल तुम कितना प्यार करते हो किसने बेवकूफ ने किस बेवकूफ ने कहा क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते ना सच्ची नहीं करते ना ना मैंने तुम्हारी इतनी सारी जैकेट मंगवाई फिर भी तुम मुझे प्यार नहीं करते अरे मैं लोगों के सामने तो कुछ भी नहीं करता सही में तो कभी कभी दिखाने के लिए मुझे तो पता चले दुनिया को नहीं बताता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ कमीने मुझे तो पता चले कि तुम मुझसे प्यार करते हो क्या बोला कमीने ऑन कैमरा मारपीट हो जाएगी आज तो मुझे तो पता चले कि तुम मुझसे प्यार करते हो ऐसा कौन सा प्यार है जो बीवी को भी नहीं बताते हो अबे ऐसा कौन पति है जो 24 घंटा तुमको दे रहे हैं उसके बाद तुमको प्यार नहीं नजर आ रहा है तो कहाँ नजर आ रहा है तुमको नहीं ये 24 घंटा नहीं होता ऐसा थोड़ी ना होता 24 घंटा का साथ जो रह रहा है वो प्यार है नहीं कल तुमको 4 घंटा देंगे ना प्यार की कीमत पता चल जाएगी तुमको एक मिनट तुम 4 दोगे तो हम तुमको ना 4.25 देंगे समझ गए हमको कम ना समझो बस अभी बिना दिए आ रही आगे लाइन पे समझ में आ गया प्यार लेवल आया लेवल छोटू मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है ये बताओ मेरे तेल कौन लगाएगा तेल लगाने से दर्द ठीक होगा क्या सेरिडॉन खाओ तेल मेरे सर में भी लगाना है सेरिडॉन तो मैं खा चुकी हूँ बट अभी नहीं खा सकता ना अभी सुबह खाया था मैंने भरिंगराव जाए लगाऊंगा नहीं इंदु लेखा लगाऊंगा पटक रहे हो पैसा दिया लगाने के लिए सॉरी हम लोग क्या कर रहे थे तो ये तुम्हारा आज का ब्लॉग आई होप आपको अच्छा लगा होगा और ब्लॉग दोनों चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज दोनों चैनल पे जरूर देख लीजिएगा थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करिए हाथ पकड़ा था इसलिए आता हूं तेरा इल्दे नेक्स्ट वीडियो में देखते के लिए बाय टेक केयर